25,000 लीटर का प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, इस पोजीशन को देखते हुए ये पता लगता है जब हमने सारी मैटर को स्टडी किया है कि ये लोग शुरू से ही इसका बेस ही गलत चल रहा है। जो एक लिस्ट तैयार की गई थी कि ये शराब की फैक्ट्री, उसमें इसका नाम मात्र नहीं है, इसका कोई नाम ही नहीं है कि जहां पर डिस्ट्री लगेगी। वो लोग भी मिली भगत हो गए इसमें, वो एज पर आरटीआई इंफॉर्मेशन के डाटे के हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया है, ये सारा पूरा कुनबा ही गड़बड़ किया हुआ है। इसलिए अभी पूरे कानून को हाथ में लेकर हम इस कमेटी को आगे बढ़ाने की जो माइंड का एक दिशा दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जितने भी नजदीक लगते हैं गाँव वगैरह हैं वो हमारे साथ जुड़े। पूरी इकट्ठी कर ली है, जो कभी मिस्टर डोगरा जी आएंगे पूरा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से ये और जब इतनी रेशो में आगे बढ़ जाएगा तब उस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, लोग सोच रहे हैं कि हमको तो कोई इफेक्ट नहीं है, शायद ये कॉलोनी वालों का काम है, यही पूरा कर लेंगे। पर ये लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे लेकिन पूरी जनता को साथ लेकर ही लड़ेंगे, क्योंकि एक एक तो दो दो 11 होते हैं। आगे जो आने वाला समय है ये कई तरह की बीमारियों को जन्म देगा, उससे पहले ही हम आप लोगों सबको ये आगाह कर एक चेतावनी दिला रहे हैं कि सारे अलर्ट हो जाओ, अभी एकजुट हो जाओ, अभी एक मौका आ गया है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे आदमी से टक्कर लेने के लिए बहुत कम चांस मिलते हैं। अभी हमारे पास एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि ये जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलना चाहता हूँ। इसलिए कि सब एक साथ इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो वो काम सिरे चढ़ता है, अकेला कुछ करने से कुछ नहीं होता। तकलीफ तो जितनी सराउंडेड एरिया को है, नीरी गांव वालों को है, वो बहुत है और वो किसी को बता नहीं सकते। किसको बताएंगे, वो आपस में बोलते रहे, जोर जोर से ताड़ी बजाए और साथ में जो थे मंत्री जी, और मंत्री जी भी साथ ही थे, मंत्री जी खुद बोल रहे थे, उनके फेवर में बोल रहे थे और उनके बिल पास करा करके ये इसका शराब फैक्ट्री का उद्घाटन कर लिया इन्होंने, चलाना शुरू भी कर दी। वो इससे पहले तो चलते थे जहाँ ग्लूकोज बनता था, घी बनता था, उसी को लेकर के ये जो शराब फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, इसका इनको मजदूरी शराब फैक्ट्री की नहीं मिली, इनको जो इसकी मंजूरी मिली है ग्लूकोज की मिली हुई है, शराब की नहीं है। लेकिन बड़े आदमी होने के कारण, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, ताकत भी है और फाइनेंशियली भी सब कुछ कर सकते हैं, तो इस पूरे इलाके में अगर ये फैक्ट्री और बढ़ गई तो जहाँ पर फैक्ट्री रह सकती है इंसान नहीं रह सकेगा। जैसे कि बठिंडा साइड पूरा देश में पता लग गया है अभी, तो अंदर से ये जितना भी पानी है वो पूरा प्रदूषित हो चुका है वहाँ का, और यहाँ का भी होने जा रहा है। हमारी तो बम्बियों में हम देखते रहते हैं पानी में भी कितनी गिरावट आ गई है, अभी पहले बुरे सत्ता था, अभी बहुत डाउन चल गया स्तर पानी का। तो हम अभी आए हैं आज इकट्ठे यहाँ हुए हैं, बताया सबको गया है, गाँव में जाकर के साहब भी गए थे, काल भी गए थे और पहले भी बहुत बताया सबको हर तरीके से, पर जितना ले रहे हैं वो उतना लेना चाहिए, जो नहीं ले रहे उनको पता नहीं अच्छी लगता, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं आए तो हमको भी आना चाहिए, वो नहीं आए उनको लेकर के आना है दोबारा जब करना है। और जैसे सरपंच साहब ने हमारे में बताया है ठीक था उन्होंने, कि दोबारा जब करना होगा ऐसा मीटिंग ऐसा जुलूस तो फैक्ट्री के आगे करना है वहाँ नजदीक उनके सामने करना, तक पता चले इनको कि दुनिया इकट्ठी हो गई है, इस बार कम है, दूसरी बार इससे दुगनी चुगनी हो जाएगी। शमशेर सिंह जी सुजानपुर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पे आए और प्रदूषण हटाओ इलाका बचाओ के बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ,
और मैं आप सबको ये बधाई भी देता हूँ कि हाँ करवा सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदूषण जो है वो हर एक के लिए हानिकारक है, हर एक को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो ह्यूमन है, इंसान है, जानवर है, खेती है, पानी है, हर एक चीज़ को, एनवायरनमेंट को वो खराब करता है। और जो कि डिक्लेयर किया है कि बठिंडा एक ऐसा इलाका है यहाँ पे ये कैंसर जो है मैक्सिमम फैल रहा है, और शायद आपने ये पढ़ा नहीं होगा गुरदासपुर का इलाका भी बीच में आ गया है, वो भी WHO की नई सरकारों के बारे में हम क्या बोलें। ये हमारा पब्लिक का ही दोष है कि ये जो अनपढ़ गुंडे बदमाश इनको हम लोग चुनते हैं, मेहरबानी करके इनको वोट ना दो और थोड़ा अपना भी ख्याल करो। क्या रहने पे वो तो चेंज आएगी मौका आने पे, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं वहाँ बात करूँ। तो प्रदूषण के बारे में मैं अक्सर बाहर भी जाता रहता हूँ, आजकल दुनिया जो है इतनी अवेयरनेस है, इतना कुछ प्रदूषण के ऊपर हो रहा है वेस्ट में, खास करके वेस्टर्न यूरोप में, अगर आप नीचे थूकते हो उसके लिए आपको फाइन होता है, कोई भी गंदगी फैलाता है उसके लिए फाइन होता है। इंडिया का शायद 117वां 113वां नंबर है, तो ये बड़ी शर्म की बात है ये हमारे सबके लिए, क्योंकि हमें तो हम तो पहले के थे, प्रदूषण तो अभी स्टार्ट हुआ है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या होंगी, इसकी उदाहरण भी है। हमारे पंजाब के पहले पहलवान होते थे, कबड्डी वाले होते थे, एथलीट होते, आज कहाँ हैं, आज हरियाणा में हैं। वो कि अगर पंजाब प्रदूषण बोर्ड ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पोल्यूशन फैलाती है, तो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। लीगल यस, और लीगल में आपको बता सकता हूँ कि जुडिशरी जितनी भी है उनके पास अगर केस जाएगा तो एकदम आपके फेवर में देंगे। मैं इसके पहले किसी सज्जन ने बोला कि शायद नहीं फैसला गलत होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जजेस जो है वो ज़्यादा अवेयर हैं, पूरी दुनिया अवेयर है इसके बारे में, सभी पढ़े लिखे लोग जो है वो अवेयर हैं, अनपढ़ जो है शायद उनको अभी इतना पता नहीं होगा। तो आप इसके लिए प्रोसीड करिए, चाहे उनसे, मेरी तो दरख्वास्त ये है कि पहले आप मैनेजमेंट से बात